स्क्रीन के ऊपर। एंड दोस्तों इस वीडियो में बात होने वाली है केवल एक ही शेयर के बारे में, यस दोस्तों, एंड वो शेयर कौन सा है, IEX। कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत है नहीं, जो शेयर मार्केट में काम करता है उनको पता ही है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के बारे में। एंड फिलहाल अगर देखा गया दोस्तों तो IEX का जो शेयर है, ठीक है, ये बीच में जबरदस्त पॉपुलर हुआ। क्यों? क्योंकि हम लोगों को सडनली इसमें एक नोज डाइव गिरावट देखने को मिली, लगभग 10% के आसपास एक ही दिन में क्रैश होते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। खबर ही वैसी कुछ हम लोग को आते हुए देखने को यहाँ पे मिली थी। सो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग कम्प्लीटली IEX के बारे में ही यहाँ पे बात करने वाले हैं। एंड मोटा मोटी अगर हम लोग बात करें दोस्तों तो इस वीडियो में हम लोग दो चीज़ों को कवर करने वाले हैं। दो चीज़ कौन सी? कि सबसे पहले कि बहुत सारे लोगों को अभी भी IEX एग्जैक्टली गिरा क्यों है, उसके पीछे का मतलब बिजनेस मॉडल, कि कैसा इनके बिजनेस मॉडल के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा, तो वो मैं आपको एकदम आसान भाषा में, रफ बोलते हैं ना, एकदम सिंपल टाइप का जो एग्जाम्पल रहता है उस हिसाब से मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करके बताऊंगा, तो मतलब आपको समझ में आएगा। एंड सेकंड हम लोग कवर करेंगे कौन सी चीज़ को, कि यस, कि मतलब अगर ऐसा हो जाता है तो कौन सा ऐसा मार्केट है जो कि IEX का यहाँ पे मार्केट शेयर खाएगा एंड उसकी मोनोपोली ख़त्म कर सकता है, तो उससे रिलेटेड भी चीज़ों को हम लोग समझेंगे, बट जैसे मैंने आपको बोला कि आसान भाषा में। तो चलिए पॉइंट नंबर 1 के साथ ही यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं, जहाँ पे हम लोग आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे कि IEX के साथ एग्जैक्टली हुआ क्या एंड एग्जैक्टली क्या चल रहा है और किस बात का डर हम लोग को फिलहाल तो देखने को मिला है जिसके चलते स्टॉक इतना ज़बरदस्त गिरा है करके, ठीक है। एंड अगर ये डर अगर और सच हो जाता है तो डेफिनेटली ये गिरावट और कंटिन्यू भी यहाँ पे हो सकती है, बट ये पूरा खेल अभी इफ बट के ऊपर यहाँ पे आ चुका है। एनीवेज अभी हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले तो मैं डिस्क्लेमर दे देता हूँ। डिस्क्लेमर किस बात का? कि यस, जो भी चीज़ मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ वो कैसे रहेगी, आसान भाषा में, तो बहुत कुछ चीज़ें तोड़ मरोड़ कर मैं आपको बताऊँगा, ठीक है। बट हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद थोड़ी ना एग्जाम देना है, हमारा मकसद ये है कि चल क्या रहा है। ये आसान भाषा में आप किसी को भी एक्सप्लेन करके बता दो कि IEX का बिजनेस इस प्रकार से हम लोग को इम्पैक्ट होते हुए देखने को मिल रहा है, वही मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू आसान भाषा में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए हम लोग एग्जाम्पल के साथ स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों ये हमारा भारत, ठीक है, इंडिया। एंड इंडिया में अगर देखा गया दोस्तों, देखिए फ्रूट मार्केट होता है, ठीक है, फ्रूट मार्केट मतलब ऑब्वियसली जहाँ पे फल बेचे जाते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए ऐसे इंडिया में फ्रूट मार्केट केवल कितने पता है, 3 ही है, मान लीजिए कितने हैं, केवल 3 ही है, और उसमें से एक फ्रूट मार्केट किसका है, मेरा है, ऐसा पकड़ कर चलिए, किसका, SMKC फ्रूट मार्केट। चलो SMKC का ही नाम क्यों दे रहे हैं हम लोग, IEX ही दे देते हैं, IEX, बट ये फ्रूट मार्केट है, ठीक है, ये एक फ्रूट मार्केट हुआ, देन एक और फ्रूट मार्केट है, एंड देन एक और फ्रूट मार्केट है, उनका नाम छोड़ दीजिए, ठीक है, एक को H बोल सकते हैं, एक को P बोल सकते हो शायद हो, ठीक है। अभी होता क्या है दोस्तों, ये IEX का ये जो फ्रूट मार्केट है, फ्रूट मार्केट मतलब क्या, मार्केट मतलब क्या होता है कि जहाँ पे हाँ बायर और सेलर देखने को मिलते हैं। अभी शेयर मार्केट मतलब क्या, जहाँ पे शेयर का बायर बाइंग एंड सेलिंग देखने को मिल जाती है, ठीक है, इससे भाव पता चल जाता है, प्राइस डिस्कवरी होती है। वैसे फिश मार्केट क्या होता है, जहाँ पे फिश से रिलेटेड ट्रेडिंग होती है, बाइंग सेलिंग होती है, देन अगर सब्जी मार्केट, अभी तक आपको समझ में आया, तो ऐसे ही ये क्या है, फ्रूट मार्केट है, समझिए। अभी होता क्या है कि IEX ये जो फ्रूट मार्केट है, ठीक है, बहुत पॉपुलर है, एंड यही पे दोस्तों हम लोग को मैक्सिमम लोग क्या करने के लिए आ जाते हैं दोस्तों, फ्रूट बेचने के लिए भी आते हैं और यहाँ पे फ्रूट खरीदने वाले भी बहुत सारे लोग आते हैं। मतलब आप पकड़ कर चलो कि पूरे मतलब देश में अगर 100 लोग रहते हैं तो 90 लोग यहीं पे आते हैं फ्रूट खरीदने के लिए और बेचने के लिए, और बाकी बचे कुचे लोग हैं वो यहाँ पे दूसरे जो फ्रूट मार्केट है HNP के पास यहाँ पे जाते हैं। अभी होता क्या है कि अगर आप IEX के फ्रूट मार्केट में जाते हो तो वहाँ पे क्या होता है, डिमांड सप्लाई के हिसाब से, बार्गेनिंग के हिसाब से, ट्रेडिंग के हिसाब से, हाँ प्राइस डिस्कवर होती है। प्राइस डिस्कवर मतलब कि जैसे कि मान लीजिए कि सेफ है, ठीक है, सफरचंद की अगर हम लोग बात करें, एप्पल की बात करें, तो एप्पल हम लोग को देना है 100 का एप्पल है, ठीक है, हम लोग बोलेंगे नहीं नहीं 100 का नहीं, 70 में ले लो, वो बोलेगा नहीं नहीं 90 में ले लो, हम बोलेंगे चलो 80 फाइनल करो, तो इससे क्या हो जाता है कि सेफ का दाम फिक्स हो गया, कितना हो गया 80, तो ये 80 दाम यहाँ पे फिक्स हो गया किसके प्लेटफॉर्म के ऊपर हुआ, IEX के फ्रूट मार्केट में ये दाम फिक्स हो गया। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति अगर यहाँ पे, थोड़ा सा मैं इसको क्लीन कर दूँ, वापस लिख लेता हूँ, IEX का फ्रूट मार्केट, ये H मार्केट है और एक ये P मार्केट है। अब मान लीजिए कि यहाँ से कोई अगर यहाँ पे चला जाता है, ठीक है, H मार्केट में चला गया, ये भी फ्रूट ही बेचते हैं, एंड वहाँ पे पूछते हैं कि एप्पल कितने पे है, तो एप्पल का वो जो भी भाव बताएंगे तो लोग क्या करते हैं डायरेक्टली, हाँ IEX के फ्रूट मार्केट में जो भी दाम चल रहा था, जो फाइनल हुआ था अभी कितना होता है 80 मान लेते हैं, तो उसके हिसाब से वो कंपेयर करते हैं, बोलते हैं वो देखो ये तो 80 के हिसाब से दे रहे, आप भी हमें 80 के हिसाब से दो करके, ठीक है। तो फिर ये H वाला मार्केट क्या करता था, ठीक है भाई ले लो
80 के दाम में ले लो। सेम वही चीज़ कोई अगर पी वाले मार्केट में जाता था, फ्रूट वाला मार्केट ही है, एप्पल का भाव कितना चल रहा है मान लो वो 110 बोलता है, तो हम लोग यही बोलेंगे अरे IAX के मार्केट में तो 80 का भाव चल रहा है, आप भी हमें 80 के आसपास दे दो। वो बोलते हैं चलो ठीक है 80 का ही यहाँ पे ले लो। अभी फ्रूट खरीदते खरीदते कोई यहाँ पे व्यक्ति आ गया, एक अंकल जी आ गए, ठीक है, और वो बोल दिया अरे IAX के फ्रूट मार्केट में आप 80 में ले रहे हो ना, अभी जाओ वहाँ पे 70 का भाव चल रहा है। तो वो पी वाला भी बोल देगा सर रुको वहाँ पे मत जाओ, ले लो 70 का ही ले लो हमसे। मतलब बताने का मकसद क्या है दोस्तों कि ये जो बाकी के दो प्लेटफॉर्म्स है, एच का मार्केट एंड पी का मार्केट, वो भी फ्रूट ही बेच रहे हैं, बट वो तो मतलब आप ऐसा बोल सकते कठपुतलिया जैसे ही है, क्योंकि अल्टीमेटली प्राइस डिसाइड किधर हो रहा है, IEX के फ्रूट मार्केट में हो रहा है। क्योंकि क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ वहाँ पे ज़्यादा बायर सेलर है, आते जाते रहते हैं, तो परफेक्ट प्राइस डिस्कवरी हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाती है, करेक्ट प्राइस डिस्कवरी देखने को यहाँ पे मिल जाती है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बार्गेनिंग होते हुए देखने को मिल जाती है, एंड आउटकम निकल कर आता है, एंड बाकी दोनों को जस्ट यहाँ पे चीज़ों को फॉलो करना पड़ता है। सो दोस्तों ये अभी तक का IEX का मस्त धंधा यहाँ पे चल रहा था। अभी इसमें क्या हो रहा था दोस्तों, दो चीज़ें हम लोग को देखने को मिल रही है। कौन सी दो चीज़ें? कि यहाँ पे जो बाकी के मार्केट एंड IEX यहाँ पे क्या कर रहे थे, फ्रूट बेच रहे थे। IEX भी फ्रूट बेच रहा है, एच वाला मार्केट भी फ्रूट बेच रहा था, पी वाला मार्केट भी फ्रूट बेच रहा था, बट IEX को कौन सा एडवांटेज मिल रहा था? यस, प्राइस डिस्कवरी का। कि वहाँ पे डिसाइड हो रहा था कि एप्पल कितने दाम में, बनाना कितने दाम में, एंड अल्टीमेटली बाकी के जो मार्केट थे उनको इस चीज़ का कोई तो फायदा होता नहीं था। ऐसा तो नहीं होगा कि यहाँ पे ये 30-40 के भाव पे बेच रहे हैं एंड वहाँ पे जाके चीज़ें बदल दे करके, नहीं, क्योंकि वहीं पे हम लोग को ज़्यादा ट्रेडिंग देखने को मिलेगी लॉजिकली, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा हम लोग को मार्केट बड़ा देखने को मिल जाता है। सो दोस्तों ये थी अभी तक IEX की कहानी, मस्त यहाँ पे चल रहा था, पूरा मार्केट शेयर वही लेकर बैठ चुके थे, मज़े यहाँ पे कर रहे थे। देन दोस्तों सडनली एक खबर सामने यहाँ पे आ जाती है, जो कि गवर्नमेंट की ओर से आप बोल सकते हो, पावर मिनिस्ट्री की ओर से ही बोल सकते हो, कि उन्होंने क्या बोल दिया, एक ड्राफ्ट यहाँ पे निकाला करके, जो कि रिपोर्ट के जरिए बोला जा रहा है, ऑफिशियली तो है नहीं ऐसा कुछ, कि उन्होंने बोला है कि जो पीडी है, ठीक है, प्राइस डिस्कवरी, वो अभी हम करेंगे। हम करेंगे मतलब अभी तक यहाँ पे कितने मार्केट थे इंडिया में, 3 ही थे फ्रूट मार्केट हमारे एग्जांपल के हिसाब से। तो अभी सरकार बोलती है नहीं, अभी हम लोग एक सुपर एक्सचेंज बनाएंगे, ठीक है, एंड ये सुपर एक्सचेंज डिसाइड करेगा कि फ्रूट का दाम क्या होगा करके, एंड आप बाकी ये जो तीनों है ना, तीन मार्केट, आप बस फ्रूट बेचो, ठीक है। बाकी के जो तो पी और एच थे वो बोलेंगे सरकार अभी तक हम लोग वही कर रहे थे, हमारे हाथ में तो कुछ डिस्कवरी था ही नहीं, अल्टीमेटली IEX में ही सारी चीज़ें चलती थी। तो झटका किसको लगा? ना इनको लगा ना इनको लगा, झटका IEX को लगा। सो पहले जो क्या होता था, लोग यहाँ पे बहुत भीड़ मात्रा में आते थे, बायर सेलर, इससे प्राइस डिस्कवरी हुआ करती थी कि सेफ कितने में बेचे जाएंगे, खरीदे में जाएंगे। वो पावर चला गया इनका, वो पावर किधर गया? अभी सरकार के पास चला गया, क्योंकि वो एक सुपर एक्सचेंज क्रिएट करेंगे, जैसा बोला जा रहा है वैसा मैं आपको बता रहा हूँ, एंड वो डिसाइड करेंगे। अभी अगर वो बोलेंगे एप्पल 50 रुपये में बेचे जाएंगे, दैट्स इट, IEX को भी 50 रुपये में ही बेचना पड़ेगा, और बाकी तो दो पहले से वैसे तो फॉलो ही करते थे मार्केट को जो दाम चल रहा है। तो ये चीज़ें हम लोग को देखने को मिलेगी। इससे क्या चला गया? IEX का पावर डिस्कवरी वाला, मतलब जो एक पावर रहता था ना दोस्तों, वो हम लोग को मिस होते हुए देखने को मिल रहा है। एंड इसके चलते और भी आप थोड़ा सा मतलब थ्रेट को समझो, कैसा कि अभी कैसे थे, 3 ही मार्केट थे, ठीक है, एंड लोग क्या करते थे, सबको पता है कि IEX में ही सब लोग जा रहे हैं, 90% लोग इधर ही जाके बिजनेस करते हैं, बाकी लोग तो बस ऐसे ही है। तो अगर एक और एक्सचेंज भी आ ही जाता है, क्या ही फ़र्क पड़ेगा, ये दोनों वैसे भी क्या ही कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। तो दोस्तों अभी ये अगर फैसला अगर सरकार लाती है, कौन सा वाला, ये जो कपलिंग की हम लोग बात करें, सरकार कह रही कि हम लोग प्राइस डिस्कवर करेंगे एंड बाकी को जस्ट फॉलो करना पड़ेगा, तो IEX भी यहाँ पे पी एंड एच की तरह एक नॉर्मल मार्केट बन के रह जाएगा। अभी लोग भीड़ यहाँ पे डिवाइड हो जाएगी, लोग पी के पास भी चले जाएंगे, एच के पास भी चले जाएंगे, ठीक है, आई के पास जो जा ही रहे थे वैसे तो जाते रहेंगे, बट इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि अब तो आप बार्गेन नहीं कर पाओगे, क्योंकि यस डिस्कवरी तो सुपर एक्सचेंज, सरकार जो बताएगी उसी इसमें हम लोग को होते हुए देखने को मिलेगा। वो बोलेंगे 40, तो इधर भी 40, इधर भी 40, इधर भी 40, वो बोलेंगे 50, तो इधर भी, इधर भी, इधर भी। तो ये चीज़ें हम लोग को होते हुए देखने को यहाँ पे मिलने वाली है। एंड दोस्तों सबसे वर्स्ट पॉइंट कौन सा है, कि बहुत सारे लोग अभी क्या करेंगे, अपना ठेला लगाना शुरू करेंगे। एक और कोई तो आएगा, ए आएगा, कोई भी आएगा, वो भी ठेला लगाएगा, वो तो बोलेगा सरकारी डिसाइड कर रहे हैं ना, आप कितने पे बोल रहे, 30 पे, चलो हम भी 30 पे बेचते, हम भी, मतलब क्या हो रहा है, अभी मार्केट में नए प्लेयर भी घुसेंगे, पहले आते ही नहीं थे क्योंकि उनको पता ही था कि IEX के पास ही सब कुछ है, बट अभी IEX का मेजर जो हम लोगों को इनडायरेक्टली पावर डिस्कवरी होते हुए देखने को मिलता था, वो अगर पावर चला गया तो ऐसे बहुत सारे ठेले लगते हुए देखने को मिलेंगे एंड बिजनेस डिवाइड हो जाएगा। सो ये खतरा फिलहाल IEX के ऊपर हम लोग को मंडराते हुए देखने को यहाँ पे मिल रहा है, जिसके चलते यहाँ पे हम लोग को परेशानी होती हुई देखने को मिले। बट जो अभी तक मैंने बोला वो क्या ऑफिशियली सामने आया क्या, नहीं, ये हम लोगों को रिपोर्ट के जरिए चीज़ें चलती हुई देखने को मिली, कि सरकार ऐसा प्लान करते हुए देखने को मिल रही है। एंड दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों को क्या बोला, कि अगर मार्केट यहाँ पे
मतलब ये पावर अगर सरकार के पास चली जाती है तो ऑब्वियसली यहाँ पे ये तीनों के तीनों अभी कॉमन हो गए। एंड अगर कॉमन हो जाते हैं दोस्तों, तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया एक पी है एक एच है, तो बताया जा रहा है यहाँ पे आई मतलब IEX का बिजनेस यहाँ पे एच वाला ज़्यादा लेकर जा सकता है, ऐसी बातें बाजार में चल रही है। अभी पी क्या था एच का था वो अभी आप लोगों को समझ में आएगा, बट जो मेजर स्टोरी थी आसान भाषा में कि क्या प्रॉब्लम है वो मैंने फ्रूट मार्केट से रिलेटेड जो एग्जांपल था उससे रिलेटेड आप लोगों को क्लियर कर दी है। तो दोस्तों अभी आ जाते हैं कि थोड़ा सा चीज़ों को समझते हैं। तो नाम देखिए हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज, ठीक है। उसके पहले एक काम कर लेता हूँ आपको, हमारे इंडिया मतलब इंडिया में जो पावर एक्सचेंज है, ठीक है, इंडिया में कितने हैं, तीन पावर एक्सचेंज है, ठीक है। कौन सा है, तो एक है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, देन जो मैंने एच बोला था ना एग्जाम्पल के लिए, तो ये है दोस्तों वो हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज, एंड पी करके भी एक बोला था ना, तो वो भी एक है पावर एक्सचेंज इंडिया। दैट्स इट, ये तीन ही है, बोलने के लिए तीन है, एक्चुअल में IEX के ऊपर ही सब कुछ यहाँ पे चलता था। पर दोस्तों अगर जैसे यहाँ पे बोला जा रहा है, मैं बार बार इस चीज़ को हाईलाइट करूंगा, रिपीटेशन होता है तो होने दो। ये देखो क्या लिखा है, वंस देर इज एन ऑर्डर फॉर अ कपलिंग ऑफ अ इलेक्ट्रिसिटी एक्सचेंजेज, वंस मतलब अभी तक हुआ नहीं है, अगर ये अगर हो जाता है तो फिर दोस्तों HPX, ये जो H वाला जो मार्केट था ना हम लोग बात कर रहे थे, हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज, यस, ये एक्सपेक्ट कर रहा है कि वो 40-45% मार्केट शेयर खा लेगा करके, ठीक है, क्योंकि अल्टीमेटली अभी सब फ्रूट बेचने वाले ही बन गए, नॉर्मल ही बन गए, तो यहाँ पे ही हम लोग को भीड़ बढ़ते हुए देखने को आप में मिल जाएगी। ये ऑब्वियसली ये एक्सपेक्टेशन अनुमान यहाँ पे फिलहाल तो बताया जा रहा है, तो इसलिए आप देख सकते हैं। ये देखिए अभी आप आर्टिकल्स पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कि IEX पहले कमांड क्या करता था, ऑलमोस्ट द एंटायर मार्केट इन अ स्पॉट पावर मार्केट। स्पॉट पावर मतलब वही बिड आस की अगर हम लोग बात करें हर चीज़ में, फॉरेन एक्सचेंज में भी आप देखते हो तो ये स्पॉट मार्केट हम लोग को प्राइस डिस्कवरी से रिलेटेड चीज़ें देखने को मिल जाती है, तो ये सब कुछ यहाँ पे हम लोग को चलते हुए देखने को यहाँ पे मिलता था। बट अभी आने वाले समय में यस ये सारी चीज़ें हम लोग को बदलते हुए देखने को मिलेगी, अगर सरकार ने जैसा बोला है वैसा अगर होता है तो। एंड उसके लिए आप देख सकते हो जो पावर मिनिस्ट्री है उन्होंने किसको रिक्वेस्ट किया है, यस CERC को, सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन, जो कि हेड बॉडी है इसका, तो उसको बोला है कि हाँ आप क्या करो यहाँ पे एक सुपर एक्सचेंज जो हेड रहेगा, जिसका कंट्रोल पूरा गवर्नमेंट के अंदर ही रहेगा, उसको आप यहाँ पे क्रिएट कर दो करके, एंड कपलिंग का प्रोसेस स्टार्ट कर दो। एक बार ये कपलिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया तो IEX भी एच एंड पी की तरह सिर्फ फ्रूट ही बेच पाएगा, उसमें हम लोग को प्राइस डिस्कवरी होते हुए देखने को यहाँ पे नहीं मिलेगी। एंड इसलिए आप देख सकते क्या लिखा है आगे कि जो भी प्राइजेस रहेंगे वो यूनिफॉर्म होते हुए देखने को मिलेंगे अक्रॉस द सेक्टर्स बाउचेस, मतलब सभी प्लेटफॉर्म के ऊपर, किसी भी एनर्जी के किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर जाओ आपको एक ही यूनिफॉर्म प्राइस यहाँ पे देखने को मिलेगा, यूनिफॉर्म मतलब सेम प्राइस। एंड जैसा हम लोग सोच रहे अगर वैसा हो जाता है तो यस, तो हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज ये IEX के लिए सबसे बड़ा चैलेंज हो जाएगा, क्योंकि वो 45% मार्केट शेयर अपने पास खींच सकता है अगर अगर ऐसी चीज़ें अगर हो जाती है तो। तो इस चीज़ के चलते हम लोग को वो प्रेशर IEX में देखने को यहाँ पे मिल रहा है। वीडियो को क्लोज करने से पहले भी मैं थोड़ा सा वापस डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, मैंने बहुत सारी चीज़ों को तोड़ मरोड़ कर आपको बताया है, नो डाउट अगर हम लोग कपलिंग की बात करें तो IEX देन एच मार्केट की बात करें पी मार्केट की भी बात करें, ठीक है, इनमें सब में प्राइस हम लोग को देखने को मिलेगा एंड वो अल्टीमेटली ऊपर जाते हुए देखने को मिलेगा, वहीं पे सरकार डिसाइड करके वही प्राइस हम लोग को कॉमन करते हुए देखने को मिल जाएगी। इस प्रकार से प्रोसेस होने वाला है, बट ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने आसान भाषा में आप लोगों को फ्रूट मार्केट का एग्जाम्पल देकर ये चीज़ों को समझा दिया कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है करके, ठीक है। और वो एक्स्ट्रा और भी थैले आ जाएंगे अगर ये सरकार ने अगर डिसीजंस को हरी झंडी दिखा दी तो ये भी हम लोग को क्या देखने को मिलेगा, यस, जैसे कि ब्रोकिंग इंडस्ट्री में आप देख सकते हैं कितने सारे डीमैट अकाउंट्स वाले अभी यहाँ पे आ चुके हैं, तो इसके चलते कैसे कंपटीशन डिवाइड हो गया, तो वैसी चीज़ें हम लोग को देखने को मिल जाएगी। तो इसके चलते जो एक मार्केट मतलब खोने के लिए इसके पास है, पाने के लिए बाकी लोगों के पास है, हम लोग ऐसा यहाँ पे बोल सकते हैं, तो यही दिक्कत देखने को मिल रही है। तो पूरा खेल किसके ऊपर डिपेंड है, इफ बट के ऊपर डिपेंड है कि अगर ऐसा होता है तो। हाँ अगर सरकार बोल देते कि नहीं करना है करके तो फिर बच गया करके, बट अगर सरकार बोल देते तो फिर इसके बिजनेस के ऊपर डेफिनेटली नेगेटिव इम्पैक्ट हम लोग को होते हुए देखने को मिल ही जाए।